यूरोप में लिबरल क्रांति का युग। फरवरी 1848 में फ्रांस की घटनाओं ने राजा को तख्ता छोड़ने पर मजबूर किया और सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार पर आधारित गणराज्य की घोषणा हुई। जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य में उदारवादी मध्यवर्गीय पुरुष और महिलाएं संवैधानिकता और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को जोड़ते हैं। उन्होंने लोकप्रिय अशांति का लाभ उठाया, संसदीय सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र राज्य की सृष्टि की मांग को आगे बढ़ाया। यह आंदोलन न केवल सत्ता के पुनर्विन्यास का संकेत था, बल्कि आधुनिक राज्यों की नींव रखने का भी प्रयास था। सामाजिक परिवर्तनों के इस दौर में लोगों ने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग को मुख्य रूप से उठाया। एकीकृत राष्ट्र राज्य का सपना न केवल सीमाओं को निर्धारित करता था, बल्कि एक संयुक्त पहचान की भी सृष्टि करता था। इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है, जहां मध्यवर्गीय उदारवाद की जड़ें गहरी है और समाज पर इसका प्रभाव स्पष्ट है।